ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 31 जुलाई 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और इस मंथ का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट, नया डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू होने वाला है। तो अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि एक्सपायरी के दिन जो ट्रेंड होता है वो नए कॉन्ट्रैक्ट में भी कंटिन्यू दिखाई देता है 4-5 दिन। लेकिन ऐसा देखा गया है, हर टाइम ऐसा होता है ऐसा नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है। कल अगर देखें तो जो बुधवार के दिन एक बोरिंग कैंडल, एक टॉप बनाया, उसके बाद में एक करेक्शन आया था, वो करेक्शन कल एक्सपायरी के दिन भी कंटिन्यू होते हुए नजर आया। तो आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 30 जुलाई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आया बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,267 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,144। तो जैसे कि आप देख पा रहे, ब्रेकआउट लेवल को पहले ही इसने पेनिट्रेट किया, ब्रेक होने के बाद जो फर्स्ट टारगेट था ये अचीव हुआ 11,292, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो काफी एक्यूरेट ये लेवल भी साबित हुआ, और यहाँ से जो फॉल आया है ये टूवर्ड साउथ की तरफ जाने के बाद ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होते ही फर्स्ट टारगेट 11,119 ये अचीव हुआ, सेकंड टारगेट 11,088 ये भी अचीव हुआ, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने कल का लो बनाया है और 2 बार सपोर्ट टेस्ट किया है। तो ये भी लेवल काफी एक्यूरेट साबित हुए। कल के वीडियो में आप देख सकते हैं इस लेवल को कैसे आइडेंटिफाई किया था। पास्ट में अगर आर्ली चार्ट में देखें तो इसी लेवल के पास 2 बार इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। तो काफी एक्यूरेट लेवल भी कल साबित हुए, और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 38 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में देखे तो एक कमजोरी थी, हालांकि जब मार्केट क्लोज हो रहे थे तो फिर से एक बार हरे निशान में आके मार्केट क्लोज होते हुए दिखाई दिया। नासडैक 44 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट एक लास्ट वीक से हम देख रहे कमजोरी दिखाई दे रही है। कल जबरदस्त वहां पर गिरावट देखने को मिली। लंदन मार्केट हो, फ्रांस मार्केट हो या फिर जर्मन मार्केट हो, कल लाल निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 81 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स निकेई भी 418 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल एशियाई बाजारों में भी अभी हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर देखे तो कल के खराब शुरुआत के बाद एक फिर से एक रिकवरी, एक बाउंस बैक होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल अभी इस समय थोड़े से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इस वीक के स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, जिसका 100% का लेवल ये 11,184 के पास आ रहा था। अभी भी ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। तो लास्ट डे है, अगर ये 11,184 यानी ऑलमोस्ट 11,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें आने वाले नेक्स्ट वीक में भी एक अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीक से ये लगातार कंटिन्यूज हायर हाइज बना रहा है वीकली चार्ट में। तो अभी यहाँ से इतनी अपसाइड मूव के बाद एक करेक्शन आना भी लाजमी होता है।
तो अगर यहाँ से ये करेक्शन गहराता है और टूवर्ड साउथ की तरफ, तो ये यहाँ पर सपोर्ट के काम कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज और मिड टर्म मूविंग एवरेज जो ऑलमोस्ट एक ही लेवल के आसपास आ रहे हैं, 10,750 और 10,650, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन सकते हैं अगर ये यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो। नहीं तो यहाँ से एक कंटिन्यू अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो वैक्सीन की खबरें लगातार पॉजिटिव आ रही है, लेकिन वो एक्चुअल मार्केट में आने के लिए अभी भी टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रेशर बनता है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, Q1 पूरा लॉकडाउन में बीता है, तो कंपनीज क्या रिजल्ट्स पेश करेंगी, जिसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो ये था वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर देखें तो डेली चार्ट का लास्ट जो स्विंग हाई लो बन रहा था, इसको पकड़ के जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने ड्रॉ किया था, इसका ये 76.4% का लेवल 11,097, ये एग्जैक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। इस वीक में हमने इसको लगातार एक रिस्पेक्ट करते हुए इस लेवल को देखा, तो अगर ये लेवल आज ब्रेक होता है, क्योंकि ये जो बोरिंग कैंडल बनाया था, ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल यहाँ पर था, उसके बाद अभी ये कन्फर्मेशन रेड कैंडल बना है, ये जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि इसने प्रीवियस लो को अच्छी तरह से ब्रेक किया और इसके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो अगर 11,100 ये लेवल ब्रेक होता है, तो नीचे 10,100 ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है टूवर्ड साउथ की तरफ। और ये इसको भी ब्रेक करेगा तो 20 EMA को आप देख सकते हैं, काफ़ी दिनों से इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो 20 EMA को ये सपोर्ट एज ए टेस्ट करने आ सकता है, जो कि अराउंड अभी 10,900 के पास है। तो 11,000 फर्स्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद होगा 10,900 ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा, जो कि 20 EMA है डेली चार्ट। और ये इस लेवल के ऊपर यानी 11,262 ऑलमोस्ट 250-300 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है निफ्टी इंडेक्स, तो ही यहाँ से अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ऊपर एक डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकेंड टॉप, और इसके नेक लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर यहाँ से ये जो सपोर्ट ये टेस्ट कर रहा था लास्ट 4-5 दिनों से, ये अगर ब्रेक होता है, तो नीचे ये 11,204 ये एज पर अर्ली चार्ट ये यहाँ पर 100 EMA भी आ रहा है, तो 11,000 के पास नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। तो आज के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा कल का लो के नीचे यानी 11,082, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,056, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,024, जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। जैसे कि ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं कमजोर दिखाई दे रहे हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इस लेवल के नीचे सस्टेन होने दीजिए, 11,024 के नीचे अगर सस्टेन होता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनेंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,000, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा तभी। तो ये शॉर्ट पोजीशन के लिए आज के लिए लेवल्स है। अगर ऊपर जाता है तो ये जो 50 EMA है, ये यहाँ पर पिवट पॉइंट के लेवल के पास आ रहा है। कल भी इनसाइड ऑलमोस्ट इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है, लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक, इसके पास ही 50 EMA ये ब्लू लाइन आ रहा है आर्ली चार्ट में। तो 11,162-163 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,188, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,205, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।